हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों यूज करनी चाहिए और हमें बेनिफिट्स क्या है टाइप स्क्रिप्ट के, सारी चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन वीडियो, तो हम इसमें टाइप स्क्रिप्ट का पूरा पूरा एक टेस्ट लेंगे कि यूज करेंगे कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं, क्या उसका इंस्टॉलेशन पार्ट होता है, सब चीज आज देखेंगे। देखो, टाइप स्क्रिप्ट को समझने से पहले समझना चाहिए कि हमें टाइप स्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हमें नीड हुई कि हमें टाइप स्क्रिप्ट लाना पड़ा। टाइप स्क्रिप्ट जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको निकाला हुआ है। अच्छा, आपको बता दूं कि टाइप स्क्रिप्ट अल्टीमेटली कंपाइल होकर आपके जावास्क्रिप्ट में ही होती है। जावास्क्रिप्ट जो है आपकी नॉन स्टैटिक टाइप चेकिंग है, इसमें कोई टाइप चेकिंग नहीं होती। आप जैसा चाहो वैसा कोड लिखो, आपका एरर जब आता है, जब सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर, रेफरेंस एरर, ये सारे एरर्स होते हैं। उसके अलावा एरर्स कम ही आते हैं इसमें। बट ये है कि आपका अल्टीमेटली ब्राउजर पर जो रन होगा, ब्राउजर पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे जो भी रन होना है, वो आपका जावास्क्रिप्ट ही होगा। टाइप स्क्रिप्ट आपको चेक करके, उस कोड को टाइप सेव करके, तब आपको जावास्क्रिप्ट देती है कि लो भाई आपका कोड सही हो गया, आप इस कोड को रखो और चलाओ अपनी मर्जी से। कभी कभी सुना है आपने, कभी एप्लीकेशन अपने लोकल पर अच्छी चल रही है, कहीं प्रोडक्शन में गई, वहाँ फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे बग्स होते हैं जो आपके जावास्क्रिप्ट सॉल्व नहीं हो पाते, बट टाइप स्क्रिप्ट सॉल्व इजिली हो जाते हैं। ओके, तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली आपको बताइए सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, स्ट्रिंग, ये सारे होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई टाइप नहीं होता। आप लेट वेर कॉन्स्ट करते हो, उसी से काम कर लेते हो सारा। लेट करा, वेट वेर करा और कॉन्स्ट करा, इससे ही हमारे डेटा टाइप डिफाइन हो जाते हैं और कोई भी नंबर चेक कर लेते हो। नंबर को चेक करना, टाइप ऑपरेटर लगाते हो। तो वही चीज है आपके टाइप स्क्रिप्ट में भी होती है, बट टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा कहता है कि भाई आपने टाइप डिफाइन करो हर चीज के। जैसे जावा कोड लेते हैं, जावा के कोड में क्या होता है, जावा में आप टाइप चेक कर, टाइप डिफाइन करते हो पहले कि ये इंट नाम का वेरिएबल, तो इसमें इंटीजर ही डिफाइन होगा। ऐसे ही आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर करते हो कि आप इंटीजर नाम के वेरिएबल्स बनाते हो, उसमें डिफाइन करते हो। बट जब आप कंपाइल करके जावा में कन्वर्ट करते हो, वहां पर वो वेरिएबल्स नहीं आते, क्योंकि पहले आप टाइप चेक कर लेते हो। पहले जो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, सारी पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी उस पर लगा सकते हैं, उस फंक्शन पे, उस क्लास पे, किसी पर भी, तो उस चीज को पहले ही चेक कर लेता है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। एग्जाम्पल देखो, मैं खुद आपको पूरा डेमोस्ट्रेट करता हूँ। एक एडिशन, एक एड नाम प्रोग्राम है, हमने पढ़ा हुआ है, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से ए प्लस बी। देखो, अब अगर मैं इसको लॉक करता हूँ, तो देखो जावास्क्रिप्ट में कोड तो बहुत इजीली आप आराम से कर लेते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं जावास्क्रिप्ट में। तो 10 20, और यहाँ पे देखो 10 41। अच्छा, अभी ये देखो, अभी ए प्लस बी किया। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक नल नल भेज दिया, यानी कि नल नल भेज दिया। नल नल क्या होता है आपको पता होगा, नल का मतलब होता है एम्प्टी, अनसेंड होता है, मतलब एब्सेंस होती है वैल्यू की। और इसको क्या करना है मेरे को, यहाँ पर इसको एक को भेजना है मेरे को अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अभी मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको कि हर चीज में क्या करके देगा, अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। अभी देखोगे तो ये कोड भी टाइप डिफाइन करता है, जावास्क्रिप्ट अल्टीमेटली टाइप डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एड भी ए नहीं है और बी भी ए नहीं, मतलब उसका कोई टाइप नहीं है, जो रिटर्न कर रहा है वो भी ए नहीं है। इसको छोड़ो अभी टाइप को, अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर करते हैं। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे देखो नन भी आ गया, ये भी हो गया, बट हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया कि यहाँ पर क्या आने वाला था और क्या आपने भेज दिया, कोई भी हमने डिफाइन नहीं किया। अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी ले रहे तब भी, अगर ये कर लिया मैंने, तो अब देखोगे तो सारे मतलब कोई टाइप्स डिफाइन नहीं किया, इसमें बूलियन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है ना। अब सोचो कैसा एक फंक्शन बनाया हमने, उसमें हम ऐसे तरीके वैल्यूज भेज रहे हैं जो हमारी अननेसेसरी वैल्यूज हैं। हमें एवेल्यूशन कुछ और पे काम कर रहा है, मेरा एवेल्यूशन जो है नंबर पे, स्ट्रिंग पे काम कर रहा है, बट आप भेज रहे हो हर चीज को, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इस चीज को आप टाइप स्क्रिप्ट में रिजोल्व करते हो। अब कैसे करते हो वो चीज टाइप स्क्रिप्ट में देखते हैं। मेरे पास एक फाइल है इंडेक्स एक्स जी टी एक्स। ओके, अब वो फंक्शन बनाना है, फंक्शन यहाँ बनाया, वही सेम फंक्शन एडिशन नाम का फंक्शन बना लो अपने। अच्छा, ए बी ले लें, ए बी ले लो और रिटर्न कर दो ए प्लस बी। मैं सारा कुछ दिखाऊंगा इसमें, डोंट वरी। अच्छा, आपको एक एडिशन कॉल कराना, लॉक कराया आपने एडिशन, जिसमें हमने 10 20 भेजा। अच्छा, अगर मैं इसको अभी भी रन करने सोचूं, इसको रन करने के लिए आपको लिखना टी एस हाइफन नोड। मैं बताऊंगा ये क्या है टी एस हाइफन नोड, अभी हेडेक मत लेना इस चीज का। इंडेक्स जी डॉट टी एस। ओके, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो रन हो रहा है, अभी रन में आ गया मेरा एरर। अब एरर क्या आया कि पैरामीटर है इम्प्लिसिटली टाइप है, यानी कि आपको ना टाइप डिफाइन करना ही पड़ेगा तभी ये काम करेगा। यार मैं तो नहीं चाहता कि टाइप डिफाइन हो, बट मेरे तो, आप यही चीज सोचो कि आपको ये टाइप से पहले बता रहा है कि आप किस टाइप का वेरिएबल भेजना चाहते हो, मेरे को बताओ पहले आप, तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। इससे बढ़ो आगे बढ़ोगे ही नहीं आप। तो टाइप डिफाइन करने के लिए आप सिंपल लिखते हो एक कॉलन, टाइप किस चीज का है, मेरा नंबर भेज रहा हूँ अभी मैं, और इसमें क्या भेज रहा हूँ नंबर, इसमें भी नंबर भेज दिया। अच्छा, आप करते हो कंपाइल,
ts node hyphen ये वाला, इस पर क्लिक किया आपने, देन इसको कंपाइल कर रहे हो। कंपाइल करने के बाद अगर देखोगे आप तो अब आएगा आपका 30, अभी कोई एरर नहीं आया। अच्छा लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, टीएससी कमांड चलाते हैं, टीएससी में लिखते हैं इंटेक्स डॉट ये वाला, देन वो करते हैं। ओके तो इसमें क्या, एक फाइल क्रिएट हो जाती है यही सेम नाम से जो आपकी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। तो मेरे में टाइम ले रही है, ओके मेरे में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं देखता हूँ फाइल में वही सेम कोड है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मेरे में अगर टीएस फाइल में एरर आ जाएगा, बिकॉज सेम फंक्शन हो जाते हैं जो ब्लॉक स्कोप में काम करते हैं। अच्छा इसको रिमूव किया। अच्छा अब आपको एक चीज बताता हूँ, अभी मान लो ये नंबर था, अब मैं यही सारे फंक्शन जो मैंने यहाँ कॉल किए थे, मैं इन्हीं चीज को यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पेस्ट किया, अभी देखना कितना जोर होता है इसमें। एडिशन लेना, एडिशन को रिमूव करते हैं सबसे। देखो यहाँ सब में एरर आ गया, यहाँ तक कोई एरर नहीं है, इस फाइल इस लाइन तक, पहली लाइन तक, उसके बाद एरर आ गया। किस में एरर आया, अब देखो एरर क्या है कि आपने जो फंक्शन का टाइप है वो किया नंबर, बट आप भेज रहे हो स्ट्रिंग, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं हो गई। सेम इसमें और इसमें भी, इसमें क्या, आर्गुमेंट टाइप ऑफ नल इज नॉट असाइंड और टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, तो ये भी काम नहीं करेगा आपका। अब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बात करें तो आर्गुमेंट टाइप ऑफ अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल पैरामीटर, मतलब कि आप कुछ भी नहीं भेजते नंबर के अलावा। नहीं मैं तो चाहता हूँ नंबर भेजूँ और स्ट्रिंग भेजूँ, तो आप बनाते हो इसमें टाइप्स। तो देखते हैं टाइप कैसे बनाते हैं, तो आपको लिखना टाइप सिंपल, लिखना अभी सिंपल, मान लो ए जिसके अंदर क्या है स्ट्रिंग है और एक नंबर, ये पाइप ऑपरेटर है, पाइप ऑपरेटर किस लिए काम आता है, इसका मतलब होता है और। ओके तो इसका टेंशन मत लो अभी के लिए, ए और बी आपने ये भेज दिया। अच्छा अब देखो एक एरर आ गया, एरर क्या आया कि आपने ए प्लस भी तो कर दिया। अच्छा आपको बताऊँ ये एरर क्यों आ रहा है, सबसे पहले एरर का बताता हूँ आपको, इसको हटाओ इसको। अगर मैं इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर दूं, देखो अभी मैं नंबर नंबर कर दूं तभी एरर नहीं आया, बट एरर कहाँ पे आया, जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भेजा। अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर दूं, यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग भेजूँ ओनली, तभी एरर आएगा कि नहीं, देखते हैं। देखो एरर अपने मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर ये रेड लाइन आ रहा है, अभी मालूम पड़ जाएगा, अभी एरर नहीं आ रहा, क्यों नहीं, अब एरर कहाँ आ रहा है, जहाँ पर मैं नंबर भेज रहा हूँ, तो मतलब कि मुझे दोनों जगह एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, अब एरर इसलिए आ रहा है कि आपने ना पाइप ऑपरेटर लगाया है, पाइप ऑपरेटर लगाया है, जिस वजह से क्या आप और कर रहे हो, कभी भी ये नहीं बोल रहा, ये नहीं कहता कि आपसे कि आप स्ट्रिंग नंबर को जोड़ो, आप स्ट्रिंग नंबर को नहीं जोड़ सकते, ये बोल रहा है इस चीज को। तो आपको क्या है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। अब बताते कैसे, ये चीज देखो, अगर आप स्ट्रिंग नंबर जोड़ते हो तो उसके लिए कंडीशन लगती है कि आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो स्ट्रिंग से मैच करेगा। यानी कि अगर मान लो आपने भेज दिया 10 प्लस हाई भेज दिया, तो आपको जो हाई ये चीजें 10, ये आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे करना पड़ेगा, देन इसको हाई करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। इसका कहने का मतलब ये सिंपल सा। अब इसको रिजोल्व कैसे करते हैं वो चीज सुनो, रिजोल्व करने बहुत आसान तरीका, इफ करो, इफ में टाइप टाइप ऑफ लगाओ, किस चीज का टाइप ऑफ लगाओगे, जो ए आ रहा है वो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और जो आपका बी इक्वल इक्वल, यानी कि टाइप ऑफ बी, जो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीजें होती हैं वही चीज के अंदर होती है, अलग कुछ नहीं होता, तो ये भी नंबर होना चाहिए, तभी ये काम करे। अब इसमें एरर नहीं है, अब एरर हमें, और अभी तो भाई ये तो नंबर के लिए था ना, हमें तो स्ट्रिंग भी जुड़वाना है। अगर कोई अलग चीज होती है, कुछ भी अलग होता है, तो उसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें उसमें ये काम नहीं करेगा, सोच रहे हो कि ए प्लस बी काम नहीं करेगा, बिकॉज उसमें अभी एक कंडीशन ये है कि आप नंबर भी भेज पा रहे हो, या तो नंबर नंबर भेजोगे, या फिर नंबर स्ट्रिंग भेजोगे, या फिर स्ट्रिंग नंबर भेजोगे, ये चीज करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको लिखना टू स्ट्रिंग। अच्छा इसमें भी लिख दो, ओके अब ये कंडीशन, अब अगर इसको चलाओगे तो अब ये काम प्रॉपर करेगा, टी एस नोड नोड, तो अभी देखोगे तो ये सारा काम अच्छा कर रहा है। अब देखो मेरे को एरर नहीं आया, अब मैंने यहाँ पे सारा काम चेक किया, अगर मैं इसको एक फाइल में कन्वर्ट करूँ, यानी कि अब मैं एक्चुअल कोड देना चाहूँ कि जावास्क्रिप्ट में कैसा दिखेगा, तो उसको देखने के लिए आपको लिखना टीएससी और इंडेक्स जी डॉट टी एस, अगर आप देखोगे तो। चलते हैं फाइल पे, आपको बता दूं कंपाइल कर रहा है पूरे कोड को, देन उसके बाद मेरे को फाइल कन्वर्ट कर दे रहा है, तो ये मत सोचना कि कंपाइल नहीं कर, अभी देखोगे तो ये भी वही कोड आया जो कोड यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कोड और ये कोड सेम है। अब देख रहे हो कितना उसने कोड को, मतलब ऑप्टिप सारी कंडीशन लगाई, उसने सारी पॉसिबिलिटी चेक की कि भाई ये हो सकता है, तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो उसने सारी चीजें ये देखी कि तुम कुछ भी गलत अलग भेजोगे तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, तो मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, तुम्हारी शक्ति में गलत इस्तेमाल करने नहीं दूंगा मैं,
ओके अच्छा, अब इसका इंस्टॉलेशन पार्ट देखते हैं। आपको आई होप आपको टाइपस्क्रिप्ट का पूरा डीप डाइव लग गया होगा, टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। अच्छा आपको बता दूं, देखो बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी हुई जैसे नेक्स्ट जेएस जाओगे या फिर आपके रिएक्ट में जाओगे, अब टाइपस्क्रिप्ट यूज इसलिए होता है जिससे आपके पैकेजेस भी जो होते हैं ना टाइपस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, जिससे आपको कुछ अगर आपको गलत इनपुट नहीं दे पाओ आपको, जिससे आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो और एक स्केलेबल एप्लीकेशन बने आपकी। ओके तो आपको क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट की वेबसाइट जाना है, टाइपस्क्रिप्ट लिखना है आपको, डॉट लोगो और टाइपस्क्रिप्ट लिखना है आपको। टाइपस्क्रिप्ट जाओगे तो सबसे पहली बात तो ये माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ओपन सोर्स है, हाई लेवल रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट एड स्टैटिक टाइपिंग विद ऑप्शनल चेक टाइप एनोटेशन। मैं बताता हूँ देखो एनोटेशन का मतलब क्या है। अब ये देख रहे हो कॉलन लगा के हम जो लिख रहे हैं, कॉलन लगा के लिख रहे हैं वो चीज होती है एनोटेशन। अच्छा आपने एक चीज गौर नहीं की, क्या चीज गौर नहीं की आपने, मैं बताता हूँ। जब आपने इसमें कन्वर्ट किया, किसमें, इंडेक्स डॉट जेएस में कन्वर्ट किया इस फाइल को, इंडेक्स डॉट जेएस में कन्वर्ट किया, तब वहां पर एक चीज थी, और क्या थी कि वहां पर टाइप भाग गए सारे, जो भी हमने टाइप डिफाइन कर रहे थे ये वाले जो टाइप थे हमारे, ये जो लिखा है हमने इतना सारा कोड लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ये वाला और ये कोलन लगा के, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज उसने आपको सारी पॉसिबिलिटी प्रूव करके दी है, यानी टेस्टिंग करके दी है पूरी पूरी कि भाई तुम्हारा कोड सिक्योर है, रखो तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, मैं हूं ना तो पीछे से बताने के लिए, तो वो चीज है। ओके अच्छा देखो टाइपस्क्रिप्ट को आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आपको लेना पड़ेगा npm i -g tsc। अच्छा आप बोलोगे तुमने ts-node लोड कर रखा है तो वो कैसे कर रखा है, तो देखो बताऊँ आपको मैं क्या है कि आपको अगर tsc लिखते हो तो आपकी फाइल जनरेट होती है दूसरी, अगर tsc लिखोगे तो एक फाइल को जनरेट होगी, वो कंपाइल होगा आपके इंडेक्स डॉट जेएस में होगी, आप फिर उसको कंपाइल करोगे। मैं क्या करता हूँ उससे अच्छा कि ts-node लगाता हूँ, जो कि मेरा एक कोड रनर नाम से एक्सटेंशन है, इसकी मदद से मैं कर पाता हूँ इसको। अगर इस पर देखोगे तो ये भी मुझे ts-node ही ts-node सजेस्ट करता है कि तुम ts-node सजेस्ट लो। ओके बट बेटर अप्रोच है कि आप TSC इस्तेमाल करोगे, बट आप जो रिएक्ट में इस्तेमाल करोगे वहां पर वो कंपाइल ऑटोमेटिक करता है, ओनली ये रन कमांड है, रन करता है कि फाइल को चेक करता है, डीबग करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। अगर आपको एक्चुअल में अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड देखते हैं तो आपको लिखना पड़ता है TSC, तो आपको लिखना है npm i -g TSC, और सेम इसके लिए लेना पड़ता है TS नोड के लिए भी, अलग कोई नहीं है, दोनों के लिए ये होते हैं npm से ये स्टार्ट। तो आई होप आपको एक बढ़िया सा डीप डाइव लेके हुआ एक टाइपस्क्रिप्ट का, तो आज के लिए गाइस इतना ही वीडियो के लिए, आई होप आपको समझ में आया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।